हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि का आज पहला दिन है। माता रानी दुर्गा आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, हमेशा आप सबकी इच्छाओं को पूरी करते रहें, आपको हमेशा खुश रखें। और आप सब भी माता रानी को पूजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए और नवरात्रि में कोई भी ऐसा काम ना कीजिए जैसे कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो प्लीज़ वो सब चीज़ें ना करें और कभी भी ना करें यार। जो गलत है सो गलत है, नवरात्रि और नहीं नवरात्रि होता है। तो चलिए मैं आज की वीडियो की टॉपिक पे आती हूँ। आज मैं दिखाने वाली हूँ आप सबको हेयर वॉश, बताने वाली हूँ कि हेयर वॉश कैसे करना चाहिए। एक्चुअली जब हमें नहाना नहीं होता है और हमें हेयर वॉश करनी होती है तब हमें हेयर वॉश कैसे करनी चाहिए। वैसे तो हमें जब नहाना होता है तो हम जैसे भी कर लें। आप सब ने बहुत सारी वीडियोज देखी होगी जिसमें हेयर वॉश कैसे करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए, कितने सारे मेथड बताते हैं लोग। एक्चुअली मेथड जैसे भी हो लेकिन उस मेथड को सबसे अच्छा मान सकते हैं जिसमें हम अपनी सुविधा के अनुसार बाल धो सकते हैं जब हमें नहाना भी नहीं हो और हम बाल धो लें। हो सकता है हमें शावर पे बाल धोने हैं, हो सकता है हमें डुबकी लगा लगा के नदी तालाब में नहाना हो तो वहाँ पे तो हेयर वॉश करना बहुत आसान होता है। सारे मेथड अच्छे होते हैं, बस हमें अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमारे सुविधा के अनुरूप हम अगर हेयर वॉश करते हैं तो वो सबसे अच्छा माना जा सकता है ना। तो चलिए, मैं कई बार मुझे हेयर वॉश करने होते हैं लेकिन मैं नहाने के बाद में या फिर नहाने से पहले हेयर वॉश करना पसंद करती हूँ। कभी कभी मैं नहाने के टाइम पे भी हेयर वॉश कर लेती हूँ लेकिन कभी कभी मैं बाहर ऊपर छत पे जाके हेयर वॉश करना पसंद करती हूँ क्योंकि वहाँ पे खुला खुला मुझे अच्छा लगता है। तो ये देख सकते हैं मैं ऐसा। फ्रेंड्स एक बात बता दूँ आप सबको, कभी भी हमको शैम्पू को डायरेक्टली अपने हेयर पे अप्लाई नहीं करनी चाहिए, उसको हमेशा पानी में थोड़ा सा मिला के, जैसे मिकी आप देख सकते हैं मैंने मग में मिलाया था, थोड़ा पानी डाला, उसके बाद शैम्पू को आधा डाला जो मेरे हेयर लेंथ के अनुसार है, जितना भी मुझे चाहिए था शैम्पू मैंने ले लिया था। और उसके बाद मैंने अच्छे से उसमें से जो झाग आते हैं ना वो सब निकाले, ले लिए, झाग आ गए थे, उसके बाद मैंने उस शैम्पू वाले पानी को अपने हेयर पे अप्लाई किया था। तो पहले तो मैं बाल को भिगा ही दी थी। और शैम्पू करने से पहले मैं, जब भी मुझे हेयर वॉश करने होते हैं तो मैं पहले सबसे पहले हेयर कॉम्बिंग ज़रूर करती हूँ ताकि मेरे बाल उलझे ना रहें और मैं इजीली हेयर वॉश कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स आप सब भी ऐसा किया करो वैसे भी आप सब करते ही होंगे आई होप, लेकिन कई लोग शैम्पू डायरेक्टली ही पानी में डुबाते हैं और सूखे हेयर पे भी ऐसे अप्लाई करने लग जाते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन कई लोगों को सही तरीका जो है पता नहीं होता तो गलत गलत तरीके से अपना हेयर वॉश करते रहते हैं। जैसे बाल बहुत ज़्यादा गंदे भी हैं, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा ऑयलिंग किया हुआ था तो मेरे बाल पे ज़्यादा झाग नहीं आए हैं, आप देख सकते हैं आया है लेकिन बहुत ज़्यादा झाग नहीं आया है जैसे कि आना चाहिए। वन शैम्पू मेरे हेयर लेंथ के लिए काफ़ी नहीं होता, मेरा हेयर लेंथ बहुत लंबा नहीं है फिर भी है बहुत ज़्यादा लंबा और वन काफ़ी नहीं होता, इसलिए मैं एक बार ऐसे वॉश करती हूँ फिर दोबारा से दूसरे शैम्पू के साथ वॉश करती हूँ तो इतना काफ़ी हो जाता है, मेरे बालों में बहुत सारे झाग आ जाते हैं, मेरा हेयर बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। तो कौन सी शैम्पू यूज़ करनी है ऐसा मैटर नहीं करता है, मैं तो कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ, हमेशा अलग अलग शैम्पू भी यूज़ कर लेती हूँ, मुझे जो भी अच्छा लगता है ना मार्केट में तो मैं वो उठा कर ले आती हूँ। और कई लोग बोलते हैं कि इससे बाल झड़ता है, अलग अलग शैम्पू यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो मुझे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, सच बोल रही हूँ, हेयर का वॉश होना ज़रूरी है, हेयर क्लीन होना ज़रूरी है, कौन से शैम्पू से हो रहा है, कौन सी चीज़ से हो रहा है इससे मैटर नहीं करता मेरे ख्याल से, आई होप मुझे ऐसा लगता है। तो ये देखिए अब दोबारा जब मैं हेयर वॉश करूँगी तो आप देखेंगे झाग कितना आता है। और आप सभी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ और सारा मेथड सारा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आप सभी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
देख सकते हैं मैं हेयर वॉश कर चुकी हूँ पूरी तरह से। तो देखा फ्रेंड्स, मैंने बहुत इजीली हेयर वॉश कर लिया। जब मुझे नहाना नहीं होता है तब भी मैं ऐसे ही हेयर वॉश कर लेती हूँ, नहाना होता है तब तो आप बहुत ही आसानी से हेयर वॉश हो जाता है। तो आज का ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी आपके लिए यूज़फुल होगी, तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू ब्लॉग पे, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय माता दी।